गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत सुबह का समय है और ठीक 5:30 बजे हैं। मैं थोड़ी देर पहले उठी थी क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो अब मुझे उठ के सीधे मैं मतलब काफ़ी लेट, अभी तो बहुत लेट हो गया है। मैं सुबह पहले जल्दी उठ गई थी और उसके बाद मैं दोबारा से लेट गई थी, मतलब कॉल्स वगैरह अटेंड करने के बाद में। तो चलते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी पीहू सो रही है, तो पीहू अभी सो रही है और शहरी अभी ऊपर अपने कमरे में है, और गुन्नू जो मेरी बड़ी बेटी है वो अपनी मौसी के यहाँ गई हुई है आजकल कुछ दिनों के लिए। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं उठ के थोड़ा फ्रेशन अप होती, वैसे मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी, मैंने अपनी मेडिसिन खा ली थी, फेस वॉश कर लिया था मैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो किचन में जाती हूँ खाना के लिए, देखती हूँ क्या बनाना। मैंने रात में चने उबाले थे तो मैं वही बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो मैं कल के लिए भी आपको कुछ शेयर करना था, बताना था। कल जब मैं पूरे दिन ना मुझे अपने वर्क प्लेस पे हो गया था, मैं और शरी गए थे, तो मुझे पता नहीं क्यों इस साइड में बहुत एक ही साइड में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जब एक साइड में दर्द ठंड का हो जाता है तो हो सकता है ठंड की वजह से हो रहा था। तो शाम को मेरी इतनी भी वो नहीं हुई कि मैं खाना वगैरह बनाती, तो मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई ऐसी पेन किलर वाली टैबलेट, वैसे मैं टैबलेट बहुत कम लेती हूँ, टैबलेट थी भी नहीं, तो मैंने रात को पैरासीटामोल और एक DSR ले लिया था। तो फिर शहरी ने और पीहू ने मिलके बच्चों ने मैगी बनाई थी, मुझे मैगी दी हुई थी रात को, तो हम वही खा के सो गए थे तीनों, और कुछ खास नहीं बनाया था। तो अब इसीलिए मैं सुबह भी थोड़ा तबीयत ऐसी लग रही थी, वैसे अब तो ठीक लग रहा है, थैंक गॉड कि अब ठीक हूँ। तो चलिए रोज़ाना के जो अपने डेली के काम होते हैं वो करते हैं और देखते हैं आज दिन में क्या क्या करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अभी अभी मसालेदानी में ना अपने इसमें सारे सारे स्पाइसेस फिल किए हैं। यहाँ पर ये मैंने छोले बॉईल करके रख रखे हैं, ये मैंने चाय अभी फिल करी है, मैं लूँगी। और मैं ना आजकल डिस्पोजेबल कप यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि बहुत बर्तन हो जाते हैं, ठंड में बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे यहाँ अभी फ़िलहाल मेड नहीं आती, मैंने बुला नहीं रखा है क्योंकि मेरे टाइमिंग्स बहुत ऑड होते हैं, कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। तो मेड आती थी तो मेड रुक जाती थी, समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। तो यहाँ पर अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, तो मैंने इसमें ना इसमें लिया है ये मैदा, तो मैं ये मैदा यहाँ पे कूट के तैयार करूँगी, साथ के साथ चाय भी पीऊँगी। और ये ऑयल हो गया तेज, अभी मैं डलती हूँ। और यहाँ पे अभी पी हुए बाकी घर बहुत फैला हुआ है, अभी काम करना है। तो चलिए बनाते हैं छोले, दिखाते हैं आपको। ओके, तो ये मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये मैंने मसाले डाल के रखे हैं। यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में ऑयल हो रहा है, कढ़ाई उधर रखी हुई है। ये है मेरी चाय, ये मैं कट में करूँगी। अभी बाहर का हालत ऐसी हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, तो हमने यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं क्योंकि कोहरे में और ज़्यादा गीले हो जा रहे थे। यहाँ पर हमने अंगीठे में हाथ धोए थे। बाहर का मौसम अभी ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कई दिनों से धूप नहीं निकली है। और अभी यहाँ से भी सब सही करना है, लॉबी खराब हो रही है अभी। फिर अभी गुन्नू दीदी गई हुई है मौसी के साथ, मौसी के पास सारी, तो अभी मैं मम्मा की हेल्प करा रही हूँ और वो बैठी जैसी। तो अब जब मम्मा बना लेंगी छोले भटूरे, शहरी में दही लेने गए हैं, और अब जब मम्मा बना लेंगी तो फिर उसके बाद मिलते हैं और सही कर लेंगे। तो तो
तो ये भुन गया है मसाला। मुझे ना वैसा बनाना है जैसे शॉप्स वगैरह में मिलता है, क्या पंजाबी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो ब्लैक ब्लैक जैसा दिखता है। तो मैंने इसको, इसमें हल्दी नहीं डालूंगी मैं, बहुत थोड़ी सी डालूंगी। तो अभी ये देखिए तेल छोड़ दिया है, इसमें फ्राई हो गया। तो मैं इसमें थोड़े से और मसाले मिलाती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी मैं डालूंगी मिर्च, क्योंकि मिर्च में पीस चुकी हूँ मसाले में। और धनिया डालेंगे, धनिया बिल्कुल नहीं पाया तो मैं धनिया ठीक से डालूंगी। हमने ये डाल लिया और बहुत थोड़ी सी जरा सी डालेंगे मेरी हल्दी। ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो रेड वाला कलर, सब्जी वाला कलर आ जाएगा। तो बस ऐसे फ्राई करते हैं और निकाल देते हैं। तो मैं अब इसमें डाल दूंगी ये टमाटर, ये मैं पहले भी डाल रही थी लेकिन मैं पहले, तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। इसको मैं फ्राई कर दूंगी, बहुत ही अच्छे से भून जाएगा, फिर इसमें मैं मिला दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से भून गया है पूरा, रेडी हो गया है। और ये हल्का हम गैस पे लो कर दूंगी मैं। और तो बस इसमें यहाँ पे मेरे जो बॉइल्ड ये हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब ये खूब अच्छे से बॉइल होंगे तो मैं इनको थोड़े थोड़े जो है उनको मैश कर दूंगी। तो मैं ना इसमें एक चीज़ स्किप कर गई थी जो कि बहुत, मतलब भूल गई थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, वो ये है, ये देखिए अमचूर खटाई पाउडर। तो वो अब रह गया है तो मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा बॉयल आ जाएगा। अब रह गया तो डालना तो टेस्ट में तो आ ही जाएगा। तो ये मैंने इसमें मिला दिया है, अब मैं ना इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा और ये थोड़े से जो चने ना ये मैश हो जाएंगे, तो गाढ़े हो जाएंगे ग्रेवी मतलब, तो ये अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं मैदा निकाल लिया मैंने, मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ भटूरों के लिए। तो ये है बेकिंग पाउडर जो कि मैंने मिलाया, बहुत से लोग इनो भी मिलाते हैं लेकिन मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। तो छोले भटूरे हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। यहाँ मैंने शुगर डाल ली है, एक टीस्पून शुगर डाली है। यहाँ पर मैं दही मिला रही हूँ, दही मैंने 3-4 टेबल स्पून डाला है। और हमारे यहाँ भी बहुत पसंद है सबको छोले भटूरे, और शहरी की फेवरेट डिश है। पीहू को भी बहुत पसंद है, गुन्नू को भी बहुत पसंद है। तो घर में नाश्ते में अक्सर बनते हैं छोले भटूरे। और उसका एक यहाँ मैंने रिफाइंड मिलाया है, एक बेनिफिट ये भी रहता है कि छोले भटूरे के साथ ना छोले में थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ, चने बच जाते हैं तो वो डिनर में भी चावल के साथ बच्चे खा लेते हैं, जैसे चावल फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल मिला दिया। इसका डो अच्छा बनता है तभी आपके भटूरे भी अच्छे बनते हैं। तो अब मुझे कमेंट में बताइए कि छोले भटूरे किस किस को पसंद है, कौन नाश्ते में खाना पसंद करता है। थोड़े डीप फ्राई तो होते हैं, ऑयली तो होते हैं लेकिन टेस्टी होते हैं। तो यहाँ मैं डो तैयार कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ मैं इसके भटूरे और बच्चों को खिलाते हैं। नमक रह गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा नमक मैंने मिलाया बाद में। अच्छा, कोई आपके, आपको ऐसा पता है कोई तरीका है जिससे मसालेदानी में ना ऐसी वाली में जैसे मेरी आप देख रहे हैं ये स्पाइस रखने के लिए, इसमें मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, थोड़ी बहुत हाथ से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया पता है कि जिससे ऐसा ना हो, एक बार मैंने ना पेपर काट के इसमें लगाया था, मोटा पेपर था, ऊपर से उसको अंदर ढक्कन की तरह लगा देती थी लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कुछ आपको कुछ ऐसा सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो यहाँ पर डो बन के तैयार हो गया है, बाद में मैं ना इसको वीडियो में नहीं आ पाया, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा कर और इसको ढक के रख दिया था। तो यह हमारा डो तैयार है। इसके बाद मैं हरी मिर्च तैयार कर रही हूँ जैसी रेस्टोरेंट वगैरह में शॉप में मिलती है छोले भटूरे के साथ। तो यहाँ पे मेथी, राई, हींग, साबुत धनिया, ये सब चीज़ें मैंने, और थोड़ी सी कसूरी मेथी निकाल के रख ली है। हरी मिर्च को मैंने ऐसे एक धो के
सुखा के बिल्कुल पेपर से सॉरी कपड़े से पोंछ के रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने मसाले में वो तेल में वो डाल दिया, क्योंकि मैंने भटूरे के लिए तेल चढ़ा दिया था तो उसी में से मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने। तो इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है, मिर्च को ये बहुत अच्छी लगती है। बाद में इसके ऊपर से नमक और नींबू का रस डाल लेंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है। और बाकी थोड़ा बहुत सैलड तो भटूरे के साथ अच्छा लगता ही है, वो भी मैंने तैयार कर लिया था। और इसका बचा हुआ जो ये मसाला होगा ना, मैंने मिर्च को अलग निकाल लिया था, वो मसाला मैंने दही में डाल दिया था, दही की दही तैयार हो गया था। तो लो जी लो, ये गर्मा गर्म चने छोले भटूरे जो भी आप कहते हो वो तैयार है, ये सैलेड के साथ, जिसमें मूली है और प्याज है, हरी मिर्च है। और अचार हमारे यहाँ बच्चे कम पसंद करते इसलिए अचार नहीं है, दही है। दही ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मैंने नमक इसमें बिल्कुल नहीं मिलाया, सिर्फ एक खुशबू और इसमें स्वाद आ गया था। तो ये बिना नमक के ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये थाली हमारी रेडी है और मुझे भटूरे बनाने हैं। बच्चे शरी को निकलना है फैक्ट्री के लिए। तो खाना वाना खा लिया था, छोले भटूरे बनाए थे मैंने, बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। और अब इसके बाद में, उसके बाद का नहाने धोने के बाद में थोड़ी देर हम लोग धूप में बैठे, धूप थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, कुछ बेटर रहा नहीं तो। यहाँ पे इतने दिन से इतना कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल बहुत, मतलब बहुत ही एकदम बहुत ही बुरा वाला ठंडा हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर देखने जा रही थी, लाइट चली गई है तो इसलिए डिम लाइट हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी देख रही थी। और मैं ये पहन रही, ये वाले सॉक्स दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाले सॉक्स लेकर आई थी मैं, तो देखती हूँ कैसे, थोड़े मोटे मोटे से हैं, वो बहुत मोटे नहीं पहनती हूँ, लेकिन अभी मैं पहनूंगी इनको क्योंकि पैरों में ना ठंडा लग रहा है। मैं कल बता रही थी ना, मेरे थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा था, तो हो सकता है ठंड का कुछ हल्का असर हो रहा हो, तो मैं ये वाले सॉक्स पहन लेती हूँ फिर चलते हैं। तो मैंने पहन लिए वाले सॉक्स, देखिए ये वाले सॉक्स पहने हैं मैंने, अच्छे लग रहे हैं और ठंड भी बचती है ना इनसे। ये देखिए ऐसी वाली है मैंने पहन ली है, मैं और कुछ नहीं पहन रही, शूज़ वगैरह, ये स्लीपर में जाऊंगी, स्लीपर मेरी ख़राब हो रही है, स्लीपर मुझे लेनी है। ये देख कितनी ख़राब हो रही है स्लीपर मेरी, स्लीपर मैं भूल जाती हूँ, सारा सामान ले आती हूँ और अपनी स्लीपर भूल जाती है, अपनी चीज़ भूल जाती है। तो यहाँ पर मैं बड़ी वाली लाइट ऑफ कर देती हूँ, लाइट वैसे भी नहीं आ रही है तो वहाँ पर मैं दिख रही हूँ, ये हूँ मैं, मैंने ऑफ कर दी। तो चलिए चलते हैं, और ये लाइट जलने देती हूँ वाली, आई लाइट अभी नहीं आई, ये कौन सी जल रही है, लाइट आ गई, लाइट आ गई, चल फिर एक लाइट जल रही। तो चलिए चलते हैं, और ठंड की वजह से ना अब बहुत अजीब सा लगने लगा है, क्योंकि चीज़ें बहुत हमारे, एक तो हमारा घर छोटा है तो ये कपड़ों का स्टैंड भी, मतलब यही भी यही रखना पड़ता है, कपड़ों का स्टैंड भी यही रखना पड़ता है, या फिर बार बार छत पे जाओ। एक ये चूल्हा जला के रखना पड़ रहा है, हमने यहाँ सिलेंडर लगाया हाथ वगैरह तापने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो देखते हैं बाहर कैसा मौसम है, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो ये देखिए बाहर का वेदर, जाने के लिए देखिए जिंसी हमसे पहले तैयार है। जिंशू इधर देखो, इधर देखो कहाँ चले, बाहर चले, बाहर खोले में खन में बाल तले बाल, चलो तो बस बहुत हो गया लाड़, मेरी जैकेट मत खराब करो। ये देखो ट्री हमने अभी यहाँ से हटाया नहीं है, इसको हटा देंगे। यह पीहू तेरी पूरी जैकेट पे, बिस्तर में घुस गई तो जैकेट पहन के देख कितने रोए आ रहे। अरे इसके लिए एक वो आता है ऐसे, वो आता तो है, वो हट जाते हैं ना उससे। तो ये मेरे पौधे हो रहे हैं, चलो इसको पकड़ ले, इसको अंदर कर दे, या तो इसको लेके जाना है तो इसको बुलाओ। नहीं मत ले। तो यहाँ पर देखो मेरे पौधे हो रहे हैं, पाले में सब खराब हो रहे हैं, पाला मतलब पाला ठंड में। देखिए कितनी हमारी सोसाइटी में इस तरफ हाउसेस हैं, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, और ये हमारी वाली लाइन है, ये हमारे वाले घर की लाइन है, और इधर सबकी कार्स बाहर खड़ी है। देखो ठंडा इतना है कि ये काना बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। तो हम तो ये वाली स्लीपर पहन के आ गई है। हाँ मैं तो सॉक्स पहने मैंने,
मैंने नहीं पहने, शूज नहीं पहने, इसमें इसमें सॉक्स पहनने की जरूरत ही नहीं है। चलिए राउंड मार के आते हैं। तो मैं हूँ यहाँ, उसे कितनी प्रॉब्लम है। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता है, हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे कट जाता है टाइम बच्चों के साथ मस्ती शैतानी करते हुए। अगर मैं सीरियस सी हो जाऊँ और मैं अपने दुख दर्द को अपने ऊपर इतना हावी कर लूँ, तो फिर ये जो बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, ये कैसे रहेंगे? ये मेरे साथ और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए बस ऐसे ही अपने दुखों को अपने अंदर रख के हंसते मुस्कुराते रहते हैं, समय को काटते हैं। का कंस्ट्रक्शन हो रहा है अयोध्या में, बहुत आस्था है उस मंदिर से सबकी। और एक मंदिर बन रहा है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास से दिखाऊंगी। बहुत सुंदर बन रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है सारा, है ना। वहाँ से आए हम सामने से, मतलब सामने से इधर इस तरफ मुड़ करके तब आए, राइट साइड मुड़ के आए। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। घर बनते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना, लोगों की छत, घर, रहने का स्थान, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर अपनी छत के लिए, घर के लिए उन्हें घर मिलता है। तो ये बना रहे हैं घर यहाँ पे। और वहाँ पे मंदिर है, दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है ये मंदिर है, बहुत अच्छा बन रहा है मंदिर। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे वाले पत्थर लगे हैं, पत्थर ये है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ राजस्थान से आए, ये राजस्थान से आए, बहुत दूर के पत्थर हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये ऐसे इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये पत्थर बहुत अच्छे लगते हैं जब यहाँ पे बैठते हैं। गर्मियों में तो कुछ और ही बात होती है यहाँ पे, मतलब गर्मियों में शाम को अच्छा लगता है। शाम को सब बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। इस समय तो बहुत ठंडा हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा, हम ही पागलों की तरह घूम रहे हैं। क्योंकि ना मुझे आज मैं गई नहीं हूँ ना, आज मैं अपना फैक्ट्री और ऑफिस जो जाना रहता है वो मैं नहीं गई हूँ। तो फिर मुझे बड़ा बोर सा लग रहा था, भारी भारी सा लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं। तो बस हम आ गए यहाँ वॉक करने। पीहू वहाँ रह गई है, पीहू ने जैकेट नहीं बदली, ना की जैकेट वही पहन ली है बेवकूफ़ ने। जैकेट बिल्कुल ले गई है, डाल देना। वो हमारी टंकी लगी हुई है, टंकी जिस पर खड़े होकर कह सकते हैं हम गाँव वालों, क्या कह सकते हैं गाँव। हाँ, मेरे सर पे दो बूंद टप गई हैं, बारिश शुरू हो रही है यहाँ पे। बाप रे, देख ये देख, ये देख, ये दिख रही तुझे? भागो भागो, अब हमें भागना पड़ेगा। परसों अभी तेज नहीं है, थोड़ी थोड़ी, बट ठंड में बहुत बुरी खतरनाक है। आजा चल, वैसे भी जिंसी को बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ आ गए हम, जिंसी आ गए भूभू। तो चलिए यहाँ पे खिलाया जा रहा है जिंसी को भटूरा, जो मैंने सुबह बनाए थे। जिंसी खा रही है भटूरा और पीहू भी खा रही है भटूरा। ये देखिए पीहू भी खा रही है, पीहू भी खा रही है, जिंसी भी खा रही है। जिंसी खाओ भटूरा, जिंसी खाओ भटूरा, जिंसी जिंसी खाओ, ये जम करके ये कुदाओ कुदाओ, जिंसी को कुदाओ, नीचे नहीं जिंसी। ये देखिए, ये देखिए सीन, देखिए जिंसी का, ये 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 जिंसी को कूद के भटूरा खा रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो जिंसी? क्या खा रहे हो जिंसी बाबू? क्या खा रहे हो? ये जिंसी खा रही भटूरा। जिंसी अब नहीं है, खत्म हो गया, खत्म, खम 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 हो गया, खम 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 खम। नच्ची 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 नच, ए कट्टी नहीं, गंदी बात जिंसी, नटी गर्ल। अच्छा अच्छा, अभी कट्टी की दीदी को अब सॉरी भी बोला जा रहा है। आता तो नहीं तुम्हें सॉरी बोलना, इतनी तमीज वाली तो तुम हो नहीं, इतनी तमीज वाली तो हो नहीं जिनसी। ये क्या हो रहा है, गंदी बात क्यों हो रही है? नहीं गंदी बात, खेलो चलो। तो जो ओके, टाटा बाय बाय। तो अब हम करते हैं इस व्लॉग को
ओवर यानी फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और कुछ मेरी DIY वीडियोस रुकी हुई हैं तो मैं सब कुछ क्रिएट करने वाली हूँ। अभी हम क्रिएट करेंगे कुछ ही मेरे ऊपर नहीं इतना प्यार नहीं करती हूँ मैं, मुझे अजीब सा लगता है। देखो कैसे उतरने के लिए करिए, नमस्ते करती है, ऐसे करिए जिंसी। तो हम और क्या कहूँ मैं आपसे, सब अपना ध्यान रखिए, ठंडा मौसम बहुत है, ठंड से बच के रहिए, जो आपको अच्छा लगे जो मन करे वो करिए, खुद को खुश रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ बच्चे हैं, आप घर की जिम्मेदारियां, तो अपने आप को ठीक रखिए क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें सही रहना बहुत ज़रूरी है। कोशिश मैं भी यही करती हूँ। तो बस मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखिए, इंजॉय करिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, मुझे कमेंट करिए। और जब आप देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो फिर उसे सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, प्लीज 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 प्लीज। बाय बाय बाय।